वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है रूपम और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं लेकर आओ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग के लिए। आज मैं बात करने वाला होंडा CBR 125R के बारे में। ये एक्चुअली इंडियन मार्केट में तो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आपको देखने को मिलता है। काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस गाड़ी का कुछ अपडेट है क्या, क्या ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ दिया जाए इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस बाइक। तो आखिरी तक वीडियो देखना बिल्कुल भी मत मिस करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो स्टार्ट करने में नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर में, उसको क्लिक करके ग्रे में कन्वर्ट कर देना, उसके साथ में जो बेल आइकन उसको भी क्लिक कर देना, नहीं तो कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिजाइन की, तो डिजाइन वाइज आपको गाड़ी पूरा का पूरा CBR 250R जैसा ही देखने को मिलता है। और एक टाइप से बोल सकते हो CBR 150R जो इंडियन मार्केट में थी, लेकिन अब डिसकंटिन्यू हो गया है इंडियन मार्केट से, क्योंकि इस गाड़ी की उतनी ज्यादा सेल नहीं थी इंडियन मार्केट में। दैट्स व्हाई होंडा का सिर्फ आपको 160cc की बाइक मैक्स दिखती है, एंड देन 300cc की एक बाइक दिखती है, उसके बीच में कोई भी गाड़ी नहीं है होंडा के पास। एक ऑप्शन आने वाली है 200cc में, लेकिन अभी भी उसको टाइम है आने में इंडियन मार्केट में। बात करें CBR 125R के बारे में, डिजाइन जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं CBR 250 और 150 जैसा ही देखने को मिलता है। इसका जो हेडलाइट का डिजाइन है वो भी आपको सिंगल देखने को मिलता है विद टू पायलट लैंप्स है। गाड़ी थोड़ा सा बल्की लगा मेरे को, जैसा डिजाइन है उस हिसाब से थोड़ा सा और शार्प एजेस हो सकता था, लेकिन बल्की अलग चीज होती है, शार्प एजेस अलग होता है। ऑन हैंडल बार देखने को मिलता है, स्प्लिट सीट देखने को मिलता है, साइड एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, फ्रंट एंड रियर में काफी अच्छे रेडियल टायर देखने को मिलते हैं, और पीछे आपको मिलता है कन्वेंशनल लाइट जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा है। अगर मैं बॉडी डिजाइन की बात करूं तो फ्रंट एंड थोड़ा बल्की और रियर एंड उतना ही नैरो आपको देखने को मिलता है। टैंक ऑन एंड ऑन एडिक्यूट है और ये गाड़ी आपको फुल्ली फेयर देखने को मिलती है। फीचर की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें आपको जो एनालॉग है वो आपको आरपीएम मीटर मिलेगा, बाकी आपको पूरा का पूरा डिजिटल में देखने को मिलता है। साइड एग्जॉस्ट आपको स्टबी देखने को मिलता है, मतलब छोटा देखने को मिलता है। फिर अगेन नेक्स्ट फीचर की वो है इसमें डुअल चैनल एबीएस। यस, इस गाड़ी में आपको डुअल चैनल एबीएस स्टैंडर्ड देखने को मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन हाँ इंडियन मार्केट में आएगा तो ये ऑटोमेटिकली सिंगल चैनल एबीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। डुअल चैनल बहुत महंगा होता है इंडियन मार्केट में। और इस गाड़ी के अगर मैं इंजन और पावर फिगर की बात करूँ तो जहाँ पे ये गाड़ी ज़्यादा शाइन करती है, 124cc का इंजन है। आप शाइन से कंपेयर मत करिए, इसका इंजन थोड़ा अलग है, अलग डिजाइन है, जो कि पावरफुल निकालता है। 10.1 bhp का पावरफुल देखने को मिलता है एट द रेट 10,000 में, और जो टॉर्क आपको देखने को मिलता है दैट इज 10.41 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट द रेट 8,000 rpm, और इसमें मिलता है आपको 6-speed गियरबॉक्स। ये फ्यूल इंजेक्शन के साथ है विद लिक्विड कूल्ड ये गाड़ी है। इंडियन मार्केट में मेरे हिसाब से लिक्विड कूल्ड की जगह ऑयल कूल्ड से कन्वर्ट हो जाएगा, इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है, और 6 गियर के जगह शायद 5 गियर हो जाएगा। तो वहां पे प्राइस कट डाउन कर सकती है, या तो चीजें कम करके उसका प्राइस कट डाउन कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की टॉप स्पीड की, तो 6 गियर है और जिस पावर फिगर में, तो इसका टॉप स्पीड 115 किलोमीटर बोला गया है हर यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन इंडियन अगर 5 गियर आती है तो शायद इसका टॉप स्पीड होगा 110 या 112 ऐसा कुछ, उससे ज्यादा ना ही एक्सपेक्ट हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर मैं साइकिल पार्ट्स की बात करूं तो फ्रंट में आपको मिलता है 31mm का टेलीस्कोपिक फोक, और पीछे मिलता है मोनो शॉक सस्पेंशन। यस, अपसाइड डाउन फॉक नहीं है, इवन इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको भी सेम वही सेटअप देखने को मिलेगा इंडियन वेरिएंट में। डिस्क ब्रेक की बात करो तो 276mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक है, 220mm का रियर डिस्क ब्रेक है, और आपको डुअल चैनल एबीएस स्टैंडर्ड देखने को मिलता है यूरोपियन कंट्री में, लेकिन इंडियन में सिंगल चैनल एबीएस ही होगा। बात आती है इसके टायर साइज की, तो 17 इंच के व्हील से फ्रंट एंड रियर में 100 सेक्शन का फ्रंट टायर है और 130 सेक्शन का रियर टायर है। रेडियल टायर्स आपको ये देखने को मिलता है, लेकिन MRF के है, बाहर कंपनी में भी MRF के मिलते हैं, शायद इंडिया में भी MRF के मिलेगा, जिसमें ऑन एंड ऑन एडिक्वेट आपको क्रिपिंग प्रोवाइड होगी इस गाड़ी में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो 13 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, और अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 40 से 45 के बीच में एक्सपेक्टेड है, उससे कम भी मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन 40 से 45 अपन अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट में 125cc की जो दूसरी जो हाई एंड परफॉर्मेंस गाड़ियाँ हैं उनका भी एवरेज 40 से 45 के बीच में ही देखने को मिलता है। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 185mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो कि अगेन बहुत अच्छा है, एंड जो स्वीट हाइट है दैट इज 793। सबसे लास्ट चीज की बात करूँ वो है इसका कैब वेट, 136kg का आपको ड्राइव वेट देखने को मिलता है इस गाड़ी में। अब आती बात प्राइसिंग की, तो क्या प्राइसिंग में इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। सो फ्रेंड्स, 1,00,000 से 1,10,000 के बीच में इसका प्राइस होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि यार इतना ज़्यादा महंगा क्यों। सो दोस्तों, होंडा की गाड़ी है, परफॉर्मेंस पैक गाड़ी है, 6 गियर है, दैट्स वाई इसका प्राइस ऐसा होगा। अगर ये 5 गियर होती है तो इसका प्राइस और कम हो जाएगा, 1,00,000 के करीब करीब ही होगा, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट 150cc की गाड़ियों जितना ही है, दैट्स वाई इसका प्राइस इतना हो सकता है। फुल्ली फेयर्ड बाइक है, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आ रही है,
दैट्स व्हाई इसका प्राइस इतना होगा। इसकी लॉन्चिंग की, तो लॉन्चिंग कब होगी, इसके हमेशा एक्सपेक्टेड डेट आती रहती है, कभी जून है, जुलाई है, अगस्त है। वैसे तो फिलहाल अभी इस साल तो नहीं आएगी कुछ भी, जो इनका रिसेंट जो चल रहा है वही बेचेंगे, अभी उसके बाद कुछ नया तो अभी आने से रहा। नेक्स्ट ईयर तक हाँ सारी गाड़ियों की 125 सीसी विद परफॉर्मेंस पैक गाड़ियां आने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट अभी यही चल रहा है। दूसरे गाड़ियों में भी देखे या दूसरे कंपनियों में भी देखे तो हाई एंड सीसी की बाइक्स बहुत महंगी हो रही है, एंड लो सीसी बाइक्स में ही आपको हाई सीसी बाइक्स के फील्स देख रहे हैं। That's why लोग आप लो सीसी की बाइक लेते हैं, कम प्राइस में आपको वही चीज वही मजा देखने को मिलता है। सो हाँ, ये 125 सीसी वाला मार्केट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, तो हो सकता है होंडा भी 125 सीसी की फुल्ली फेयर बाइक लॉन्च कर दे। सो फ्रेंड, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट दिस बाइक, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना, और इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो प्लीज ये जो इंस्टाग्राम के जो हैंडलर दिख रहे हैं उसको फॉलो करिए विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स अगर आपने मैसेज किया तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। टिल देन आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट रिव्यू, कुछ भी सेट। टिल देन बाय एंड चाओ।